मुहर्रम सही से मनाओ वरना घर में बैठ जाओ। मुहर्रम पर सीएम योगी के बयान से मचा तहलका। फिर मोदी के पुराने मंत्री ने दिया करारा जवाब। मुख्तार अब्बास नकवी के बयान से आया बवंडर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। यूपी में मुहर्रम पर जबरदस्त महाभारत शुरू हो गई है। दरअसल शिया मुसलमानों के गम का महीना चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में मुहर्रम जुलूस निकाला जा रहा है। इस दौरान कई राज्यों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर, उत्तर प्रदेश के अमेठी और बिहार के नवादा से सामने आई तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से अलग अलग हिस्सों में मुहर्रम जुलूस के दौरान हुड़दंग मचाया जा रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सख्त हैं और मुहर्रम को लेकर उन्होंने मुस्लिमों को बड़ी चेतावनी भी दे दी है। दरअसल मुहर्रम जुलूस में तलवारें चापड़ लहराकर जश्न मनाने की परंपरा अक्सर देखने को मिलती है। यही वजह है कि सीएम योगी ने मुहर्रम के जुलूस में अस्त्र शस्त्रों के प्रदर्शन और उससे मातम मनाने पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिलना होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया। सीएम योगी ने साफ साफ शब्दों में समझा दिया कि मुहर्रम मनाना है तो नियम के अनुसार मनाओ वरना चुपचाप अपने घर में बैठ जाओ। जिसके बाद उनके इस बयान पर खूब राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार सीएम योगी के बयान का विरोध कर रहा है, तो वहीं अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएम योगी के मुहर्रम वाले बयान पर जवाब दिया है और विरोधियों कट्टरपंथियों को अच्छे से समझा दिया है कि कायदे में रहकर ही त्योहार मनाना होगा। मुख्तार अब्बास नकवी का मानना है कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, श्रद्धा के साथ साथ शालीनता और शालीनता के साथ साथ शासनादेश के सम्मान के साथ ही मनाया जाना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएम योगी का समर्थन करते हुए राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया और अपने बयान में कहा, सीएम योगी ने जो कहा है इसमें कहां कोई कंफ्यूजन है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि कानून पर भी कलर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। श्रद्धा आपकी है, श्रद्धा के साथ करिए, इसमें शालीनता भी जरूरी है और शासनादेश का सम्मान करना भी जरूरी है, यही समाज के हित में है। पूरे देश में मुहर्रम को लोग बहुत सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ करते हैं। मुहर्रम पर सीएम योगी ने मुसलमानों को अल्टीमेटम देते हुए त्यौहार मनाने का तरीका समझाया तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी उनका सपोर्ट करते हुए कह दिया कि किसी को भी हुड़दंग करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में सीएम योगी और मुख्तार अब्बास नकवी के मुहर्रम वाले बयान पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।